हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज है 15 अगस्त, तो आज हम सभी के स्वतंत्रता दिवस का दिन है। तो मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है। झारखंड में 10+2 यानी इंटर लेवल की वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग ये वैकेंसी कंडक्ट कराई जाएगी JSSC यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू। टोटल पोस्ट की बात करूँ ना तो 863 यानी 863 पोस्ट रहेगा। वैसे तो ये झारखंड स्टेट के लिए वैकेंसी है, लेकिन इसके लिए ऑल इंडिया के मेल तथा फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बताऊंगी इस पोस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी, लेकिन अगर आप चाहते हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना या फिर एग्जाम पैटर्न सिलेबस वगैरह जानना चाहते हो, दोनों ही चीज़ें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, जाइए वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि टोटल 863 यानी 863 पोस्ट रहेगा। दो तरह के पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, दोनों ही ग्रुप सी का पोस्ट है, जूनियर क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर के लिए। तो जो जूनियर क्लर्क का पोस्ट है उसके लिए 836 यानी 836 और एक सीट ना आपका बैकलॉग से भी है, वो एक्स्ट्रा रहेगा। स्टेनोग्राफर के लिए 27 यानी 27 पोस्ट रहेगा। तो इन दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 17 अगस्त, यानी कि बहुत जल्द इसका लास्ट डेट आने वाला है। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दे, 17 तक ही अंतिम तिथि रहेगी। अगर इसको बाद में एक्सटेंड किया गया तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। और ऑलरेडी ये ऑनलाइन हो रहा है 11 जुलाई से, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए फॉर्म भरते टाइम आपसे क्या फी लगता है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 100 रुपीज और SC ST से 50 यानी 50 रुपया लिया जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, मान लो कि आप बिहार से हो, पंजाब से हो, राजस्थान से हो, अपने स्टेट के लिए आप SC ST हो लेकिन झारखंड में अप्लाई करोगे तो आपको एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा। तो जो जनरल से फी लगेगा, जो जनरल के लिए प्रोसेस होगा, वो सब आपके लिए होगा। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब रही बात की व्हाट इज द एज लिमिट, उम्र की सीमा क्या रहेगी। देखिए 18 वर्ष से 35 वर्ष और जो कट ऑफ डेट है ना मिनिमम एज के लिए, जो 18 वर्ष आपका कंप्लीट होना चाहिए किस डेट तक, 1 अगस्त 2023 मतलब 1 अगस्त 2023 के अनुसार आपका कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। और जो 35 वर्ष के लिए आपका जो डेट कट ऑफ है 1 अगस्त 2019 मतलब 1 अगस्त 2019 के अनुसार आपका 35 वर्ष होना चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है कि अपर एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, तो यहाँ पर BC1 BC2 मतलब कि जो OBC है उनके लिए 2 वर्ष का आपका 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और फीमेल्स के लिए 3 इयर्स यानी कि आपको 3 साल का। तो जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 38 वर्ष नहीं 38 वर्ष है, OBC के लिए 37 वर्ष और SC ST के लिए 18 से 40 वर्ष। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा के ऊपर कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सब पहले ही नाम से ही समझ गए कि इंटर लेवल की वैकेंसी है, तो क्वालिफिकेशन आपका 10+2 पास आउट आप होने चाहिए। डजंट मैटर व्हाट इज योर स्ट्रीम इन इंटर, आपने आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स तीनों में से किसी स्ट्रीम से आपने 12 पास किया है तो आप इलिजिबल रहोगे। और हाँ, परसेंटेज का भी कोई इशू नहीं रहने वाला है। तो सारी बेसिक जानकारी तो आपने समझ ली। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि किन किन स्टेज से आप पास आउट होंगे, क्वालिफाई करेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन की प्रोसेस देख सकते हैं यहाँ पर, आपका 4 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर रिटन एग्जामिनेशन, ऑफलाइन पेपर होगा, उसको आपको क्वालिफाई करना है। देन स्किल टेस्ट होता है। अब देखो यहाँ पर जूनियर क्लर्क और स्टेनोग्राफर, LDC और स्टेनो के लिए स्टेनो का टेस्ट होगा और टाइपिंग का टेस्ट तो होना ही होना है। DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर लास्ट में बेसिक सा एक सिंपल मेडिकल होगा, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो चलिए अब हम लोग जो सारी अभी सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज की देखें उसको इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो देखेंगे ये आपका रिटन एग्जाम का पैटर्न। मैंने पहले ही बता दिया है कि ऑफलाइन होगा, तो अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन तो एग्जाम है नहीं कि कहीं पर भी एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। आपको जाना होगा झारखंड में, वहाँ के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो एग्जाम सेंटर होंगे ना वहाँ पर जाके आपको एग्जाम देना होगा। और एग्जाम जो होता है
सेम डे आपका तीन पेपर होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि तीन दिन पेपर वन पेपर टू, नहीं, एक ही दिन आप जाओगे, दो दो घंटे का तीन पेपर होगा, होल डे एग्जाम चलता है इसका। अब ऐसा नहीं कि 6 घंटे लगातार आपको बिठा के रखा जाएगा। मान लीजिए कि ये देखिए पेपर वन है, इसको 2 घंटा में कराया जाएगा, फिर आपको ब्रेक दिया जाएगा, तब आपका पेपर टू होगा, फिर सेम थोड़ा आपको ब्रेक मिलेगा, तभी तो आपको जो ओएमआर सीट दिया है उसको कलेक्ट करेगा, फिर नया ओएमआर सीट अवेलेबल कराया जाएगा। आई होप आप ये चीज समझ रहे होंगे। तो अब आपको एग्जाम पैटर्न भी तीनों पेपर का समझा देती हूँ। देखिए पेपर वन जो होता है ना, लैंग्वेज यानी भाषा से संबंधित आपका पेपर होता है, इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, मिनिमम आपका यहाँ पर 30% आना चाहिए, तभी जाके आपका पेपर टू और पेपर थ्री का मार्क्स जो है कैलकुलेट होगा। पेपर वन में 120 क्वेश्चंस होंगे फॉर 360 मार्क्स यानी 360 नंबर के लिए, मतलब पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलेगा। टाइम जो है 2 आवर्स यानी 2 घंटे का, और निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1। उसके बाद जो आपका लैंग्वेज है, मतलब पेपर वन के लिए हिंदी और इंग्लिश, हिंदी से 80 क्वेश्चन यानी 80 प्रश्न 240 नंबर के लिए, इंग्लिश के आपको 40 क्वेश्चंस रहेंगे 120 मार्क्स के लिए। तो ये है पेपर वन जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। पेपर टू जो होगा अगला 2 घंटे के लिए, उसमें 100 क्वेश्चन फॉर 300 मार्क्स, टाइम 2 आवर्स और निगेटिव मार्किंग 1, मतलब कि 100 प्रश्न 300 नंबर के लिए, समय अवधि 2 घंटे की और निगेटिव मार्किंग 1 रहेगा, 1 रहेगा। अब इसमें आपका क्या होगा, रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वो कौन कौन सा भाषा हो सकता है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, संथाली, बंगला, मुंडा, हो, खड़िया, उराव, कुरमाली, उरिया, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया इत्यादि। अब इतना सारा लैंग्वेज आपसे नहीं पूछा जाएगा, घबराइए मत। अगर आपको सिर्फ हिंदी आता है तो आप हिंदी से संबंधित 100 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, अगर आप इंग्लिश जानते हो, इंग्लिश आपकी अच्छी है तो इंग्लिश से रिलेटेड आप 100 क्वेश्चन का आंसर करोगे, और जिनको ये दोनों सब्जेक्ट नहीं आता है या फिर उनका इनमें से कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो वो उस पेपर से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पेपर टू हो गया। पेपर टू के बाद पेपर थ्री होता है नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए, जिसमें 120 क्वेश्चन फॉर 360 मार्क्स, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स है, आप देख रहे हैं तीनों में सेम टाइप का ही रहेगा। समय 2 घंटे का, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 1 रहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका जैसे जनरल कंपटीशन का नॉर्मल एग्जाम होता है उस टाइप से क्वेश्चंस होंगे। ये सब भी तो वही है, बस भाषा संबंधित इसमें पूछा जाएगा, इसमें हिंदी अंग्रेजी किसी का, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों से रिलेटेड रहेगा। और पेपर थ्री में आपका जनरल स्टडीज का 30 क्वेश्चन यानी 30 प्रश्न हो जाएगा। झारखंड का जीके आपसे 40 क्वेश्चन का पूछेगा, मतलब देखिए आपसे नॉर्मली तो जीके जीएस पूछेगा ही, लेकिन झारखंड स्पेशल जीके वो आपको 40 प्रश्न का रहेगा, तो उसको अच्छे से आप तैयारी करके जाएंगे, प्रॉपर एक झारखंड स्पेशल जीके की किताब खरीदेंगे और उसको पूरा रट के जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन उसमें पूछता है। देखिए लास्टली, अब जैसा कि आपको पता है कि आपको कंप्यूटर का वर्क है, टाइपिंग का रहेगा, कंप्यूटर एंड हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के लिए आपके रहने वाले, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पेपर थ्री। पेपर थ्री तो आप समझ लिए कि तीनों पेपर, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री रहेगा, ठीक है। अब आपका मेरिट किसके आधार पे बनेगा, मेरिट जो आपका बनेगा ना इसमें, मतलब नेक्स्ट एग्जाम के लिए, स्किल टेस्ट के लिए जब आपको बुलाया जाएगा, उस समय आपको पेपर टू प्लस पेपर थ्री दोनों का मार्क्स आपको ऐड करके तब आपको बुलाया जाएगा नेक्स्ट स्किल टेस्ट के लिए। तो चलिए अब स्किल टेस्ट का भी पैटर्न समझा देती हूँ। देखिए स्किल टेस्ट जो होता है ना, टाइपिंग होगा 10 मिनट के लिए, तो जो बच्चे LDC के लिए यानी जूनियर कलर के लिए फॉर्म भरेंगे, तैयारी कर रहे हैं, उनसे तो बस हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड उनकी होनी चाहिए, 250 वर्ड्स के लिए 10 मिनट का टेस्ट होगा। लेकिन स्टेनो वालों के लिए जो है, स्टेनो का 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड्स पर मिनट यानी 25 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। तो ये है आपका स्किल टेस्ट, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब स्किल टेस्ट के बाद आपका मेरिट बन के तैयार हो जाएगा, फिर आपको ज्वाइन कराया जाएगा, तो सैलरी क्या मिलेगा आइए मैं बता देती हूँ। सैलरी ना शुरुआत में आपको 35,000 यानी 35,000 से शुरुआत होती है, एंड लास्टली 81,100, मतलब कि सिंपल सा समझिए। देखिए
शुरुआती दौर में आपको 35,000 से 40,000 मिलता है, बाद में सैलरी बढ़ा के आपका 85,000 से 90,000 हो जाता है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसे मिस ना करें, साथ के साथ ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए है। तो आई होप इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मिल गई होगी, सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। अब भी कहीं पर कुछ डाउट है, मन में कुछ कन्फ्यूजन है, तो कमेंट करके आप क्वेरी को सॉल्व कर लेना। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।